करना कैमरा करिए सामने से नजर आ रही है ये कहीं मुझे अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत। आज के दिन का आगाज़ हो चुका था जी अल्लाह के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और सबकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ें दूर करे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है जी, तकरीबन बज रहे हैं जी 8:30 और मैं और मेरा बेटा नाश्ता कर रहे हैं। आज मैंने हस्बैंड के साथ नाश्ता नहीं किया, आज वो भी लेट हो गए थे और आँख नहीं खुली थी हमारी आज, बल्कि मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी और मेरे बेटे ने भी मुझे आज नहीं उठाया। कहता आप सोई हुई थी इसलिए मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा शाबाश, तो सोए हुए को उठाते हैं, जागते हुए को उठाते। खैर हस्बैंड साहब आए, उन्होंने जी मुझे उठाया, जल्दी जल्दी से उठ के चाय शाय बना के उन्हें तो भेज दिया। अब मैं और मेरा बेटा नाश्ता कर रहे हैं, आ जाएं जी आज नाश्ता कर लें। फिर सुबह फिर जल्दी से पानी भी भरा, कपड़े भी इस्तरी किए। आज जाना है मैंने जी मिलाद में, न्याज है, मेरी भांजी ने न्याज दिलवाई है तो वहाँ जाना है शाम को, तो आ जाएं। खा लें बिस्किट, बेटे ने तो रोटी खाई है और मैंने भी रोटी खाई है, थोड़े से बिस्किट थे, हमने कहा चलो टेस्ट भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा जी, कल मैं चली गई थी फिर वहाँ पर, कल मैं बहुत मसरूफ़ रही, टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकती वहाँ जाकर भी, इसलिए कि कल दोपहर को लाइट भी गई हुई थी और आए दिन कोई ना कोई मसला रहता लाइट का, हफ्ते में एक दो मरतबा लाइट ले लेते हैं। तो आप लोग भी कहेंगे बार बार ये बात करती रहती हैं, क्या करें मजबूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो बनानी होती है, फिर मोबाइल का बड़ा मसला होता है, चार्जिंग का मसला हो जाता है। फिर तो वैसे भी मैं वहाँ लेट ही गई थी शाम को ना, तो वापसी पर मैंने फिर ये बेटे के लिए ली बर्फ़ी वहाँ से जावा वालों की, बड़ी अच्छी बहुत मशहूर दुकान है वहाँ की, बहुत अच्छी मिठाई होती है इनकी वहाँ से। तो फिर ही मैंने अपने बेटे के लिए बर्फ़ी ली रास्ते में वापसी पर, तो कहने लगा था कि अम्मा मुझे बर्फ़ी लेकर आना मेरे लिए। खैर वहाँ के लिए मैं मिठाई ले गई थी और अपने घर के लिए बर्फ़ी ले आई खाली, तो बेटा मेरा बहुत खुश हुआ, सब ने खाई मिलकर, इंजॉय किया है। बेटी उठ के अब सफाइयाँ सफाइयाँ कर रही है, उसने तपड़ियाँ छपड़ियाँ लगाई हैं देखें, और ऊपर उसने चला दिया पंखा, और बैठी हुई हूँ मैं नीचे इधर, और ठंड सी थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही है, और अब देखें धूप भी बाहर निकली हुई है, बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ, बाहर धूप भी बड़ी अच्छी निकल रही है, लेकिन ऐसे है कि जैसे सर्दी वाली सर्दी नहीं आई, धुंधे पड़ेंगे तो सर्दी आएगी। खैर ये भी अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह बेहतर जानता है इसमें भी क्या मसले थे अल्लाह की। और अब दोपहर का टाइम हो गया, मैं भंडिया भी बनानी है, मैंने समझ नहीं आ रही कि क्या बनाऊँगी, कि क्या पकाना है, हमने सालन सुनी, अब बच्चे अब उठने वास्ता ऐसा बेटी से पूछती हूँ मुझे क्या पकाएंगे, वही बताएगी। रात को जब मैं गई थी मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, इसलिए कि मैं एक तो लेट पहुँची थी वहाँ पर, क्योंकि देर हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था और वहाँ पर ख़त्म दिल रही थी, बल्कि दुआ मांगी जा रही थी, मैं नमाज़ पढ़ने लगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ के सबसे मिली, फिर वहाँ थोड़ी देर बैठे गपशप लगी, उसके बाद मैं फिर आ गई, 9:45 मैं घर पहुँची हूँ, बेटा मुझे छोड़कर फिर वो अपने काम पर चला गया। मैं नमाज़ पढ़ने लगी ईशा की, तो वो मोबाइल ले गया था, इसीलिए फिर मैंने वीडियो कल बनाई नहीं थी, थोड़ी सी बनाई थी जो फिर वो ज़्यादा बना ही नहीं सकी फिर मैं, इसलिए चलें मुझे दी इजाज़त एक दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, फिर मान लाला, अल्लाह हाफिज़।